दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ हर कोई आना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करें। तो मैं आपको पुष्कर के विपश्यना केंद्र लेकर जा रहा हूँ जो कि पुष्कर की सुंदर वादियों के बीच में और एक शांत वातावरण में बसा हुआ है। ये पूरा आप देख रहे हैं कैंपस है विपश्यना का। सामने मेन दरवाज़ा है जिसे यहीं से आपको अंदर जाना होगा। कैसा आप जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये आप सामने देख रहे हैं ये कार पार्किंग है, यहाँ आप इजीली अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या विपश्यना मेडिटेशन की एक साइट है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर एक महीने पहले करना पड़ेगा क्योंकि सीट्स नहीं मिलती है इजीली। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम अंदर नहीं ले जा सकते। ये सेकेंड दरवाज़ा है, इसमें एक बार आप चल गए ना दोस्तों तो जा तो अंदर तो आप अपनी मर्जी से जाएंगे लेकिन वापस अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते हैं। आपको 10 डेज़ का कोर्स करके ही बाहर आना पड़ेगा। अगर किसी की कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है तो उसे बाहर आने की इजाज़त मिल जाती है, वो अपने घर जा सकता है। इसके अलावा कोई आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप घर पे बात करें 10 दिन के अंदर या फिर घर जा सकते हैं बीच में कोर्स को छोड़कर, ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पे जो भी मेडिटेशन करने आते हैं, बाहर से काफ़ी लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो यहाँ उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, बैग वगैरह चेक किया जाता है, उन्हें यहाँ के नियम बताए जाते हैं, रूल्स वगैरह क्या क्या उनको फॉलो करना है। बी हैप्पी यानी कि सबका मंगल हो, ये मैंने आपको बता ही दिया था रजिस्ट्रेशन कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होता है। आप आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। और आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ कैसे रहना है आपको, तो यहाँ आपको आर्यमौन रहना है। आर्यमौन का मतलब होता है दोस्तों कि खुद से भी आपको बात नहीं करनी है 10 दिन तक, दूसरे व्यक्ति से भी नहीं करनी है, खुद से भी आपको बात नहीं करनी है, जिसे आर्य मौन बोला जाता है। आर्य मौन का पालन करना पड़ता है, नोबल साइलेंस बोला जाता है उसको इंग्लिश में। अब सामने जो आप देखेंगे वो डाइनिंग हॉल है हमारा, जहाँ पर हम सब एक साथ बैठ कर खाना वगैरह खाते हैं। खाने का मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट होता है और दिन में आपका लंच होगा, और शाम को 4:30 बजे जो नए साधक आते हैं उनको चाय के साथ में कुछ हल्का आहार दिया जाता है, और जो पुराने साधक होते हैं उनके लिए केवल सिकंजी होती है, इसके अलावा उनके लिए कोई खाना नहीं होता है। और नाइट में डिनर यहाँ नहीं होता है, तो ये जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ डाइनिंग हॉल के। ये देखिए ये हमारा लास्ट दिन था, 10-11वां दिन था जब हम लास्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसी दिन आपको बोलने की अनुमति मिलती है, ये हम बात बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिले हैं। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे सब अपना शांति से बैठकर खाना खाते हैं और खुद को अपने खुद के बर्तन धोने होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके बर्तन कैसे धोते हैं लोग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब लोग जो अपने 10 दिन आपको एक ही बर्तन में खाना है, खुद को धोना है और खुद को ही साफ करके रखना है। तो ये देखिए नल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। एक बार जो यहाँ आ गया वो हर बार आने का प्लान बनाता है। ये सामने आप देख सकते हैं ये रेजिडेंस क्वार्टर्स है हमारे, जहाँ हर साधक को एक रूम मिलता है ताकि वो अच्छे से विश्राम कर सके। और जो यहाँ की दिनचर्या है वो 4 बजे शुरू हो जाती है, 4 बजे से आपको मेडिटेशन करना पड़ता है रात को 9 बजे तक।
मैं आपको रूम्स दिखा देता हूँ कैसा रूम्स होता है यहाँ के। ये देखिए, ये मेरा रूम था, इसमें दो बेड लगे हैं। कई बार क्या होता है, नए साधक को एक रूम में दो साधक को ठहराया जाता है, और पुराने साधक आते हैं उनको एक एक रूम में एक जने को ठहराया जाता है। ये एक दो बेड लग रखे हैं, लेकिन मेरा सिंगल बेड था यहाँ पे। और ये वॉशरूम में बिल्कुल क्लीन होता है। आप जब भी 10वें दिन जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ही क्लीन करके जाना है, क्योंकि आपको एक साधक भिक्षु का जीवन जीना पड़ता है यहाँ पे, तो आपको खुद से आपके काम करने पड़ते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा धम्मा हॉल, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया है, करीब यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंस क्वार्टर्स है जहाँ पे साधक रह सकते हैं। 10 दिन के लिए उन्हें रहना पड़ता है, बाहरी दुनिया से उन्हें डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, और मेडिटेशन की दुनिया में उनका पहला कदम होता है। बहुत कुछ सीख के जाते हैं, जब लास्ट दिन जाते हैं ना तो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। ये देखिए, पूरी आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप डाइनिंग हॉल में जाते हैं, वहाँ एक पेपर में लिख के रूम नंबर के साथ में लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। ये पूरे क्वार्टर्स में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा माहौल है दोस्तों, एक बार जरूर आइएगा पुष्कर में। और वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर विपश्यना की चल रही है, लेकिन स्पेशली पुष्कर का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और साथ में काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ का। यहाँ पर आपको केवल पक्षियों की आवाज़ आएगी, उसके अलावा किसी की भी आवाज़ नहीं आएगी। अब चलिए मैं आपको हमारा धम्मा हॉल दिखा देता हूँ। धम्मा हॉल में शूट करने गया था, जब वो बंद हो गया था तो उसकी मैं फोटोज आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कैसे साधक मेडिटेशन करते हैं। तो ये है हमारा धम्मा हॉल, बहुत ही सुंदर है, और बहुत यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता है, बस आपको बैठ के मेडिटेशन करना है। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक दिनचर्या शुरू हो जाती है, और 8 से 9 गुरुजी का प्रवचन होता है, वो दिखाया जाता है। आई थिंक 7:30 से 9 बजे तक होता है। ये हमारा हो गया शून्यगार। जब साधक अपनी साधना में पक जाता है, 3-4 दिन उसको हो जाते हैं साधना करते हैं, तो सबको एक एक शून्यगार, ये पूरा शून्यगार है, इसके अंदर रूम्स बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। इसके अंदर हर साधक को एक रूम अलॉट होता है, उसको जो भी दिनचर्या होती है उसके अकॉर्डिंग जाकर यहाँ पे साधना करनी होती है, यानी कि मेडिटेशन करना होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो उम्र दराज रोग लोग हैं वही आते हैं यहाँ पे, आप मानेंगे नहीं, 18 साल से उम्र से लगभग 85 साल की उम्र तक के लोग आते हैं। ये देखिए, ये शून्यगार के रूम बने हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूम्स बने हुए हैं कि आपको एक यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नंबरिंग कर रखी है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा रूम है। तो इसके अंदर कैसे बैठा जाता है, कैसे साधना की जाती है, वो मैं आपको एक रूम में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा रूम है, यहाँ पे गद्दी वगैरह लगी होती है, उस पर बैठ के आपको प्रॉपर साधना करनी होती है। अंदर से कुछ इस प्रकार से होता है, कोई फैन वगैरह नहीं होता है, केवल एक यहाँ पे एक रोशनदान होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।